ओके जी स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मोड्स के बारे में, ठीक है जी, जिसमें मैंने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में बताया था। तो बेटा जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ मैं, प्लीज़ काइंडली प्रीवियस सारे लेक्चर जो हैं वो सुन लें। ओके, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे डाटा की ट्रांसमिशन की टाइप्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, जैसे कि पहली है पैरेलल ट्रांसमिशन, दूसरी है सीरियल ट्रांसमिशन। ओके, पैरेलल ट्रांसमिशन के नाम से पता चल गया है कि कोई ऐसी चीज़ है जो पैरेलल चल रही है, ठीक है। पैरेलल होता है एक साथ काफ़ी ज़्यादा बिट्स जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को रनिंग करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सबने पैरेलल रन होना है, ठीक है, भागना है, तो वो सब एक साथ ही भागेंगे, गो कहने पे भागेंगे। तो अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप्स और बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर्स इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। अब क्या है, ये एक ऐसा मेथड है ट्रांसमिशन का जिसमें जो ग्रुप्स ऑफ बिट्स हैं, बिट्स मैंने आप लोगों को बता दी हूँ ये बिट्स क्या होती हैं, ठीक है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ग्रुप्स ऑफ बिट्स हैं मतलब मल्टीपल बिट्स हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, बिट्स कितनी भी हो सकती हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 16, 32, ये डिपेंड करता है। एट द सेम टाइम एक ही साथ काम कर रही हैं मल्टीपल वायर्स के जरिए, मतलब वायर्स मल्टीपल हैं, ठीक है, वायर्स मल्टीपल हैं लेकिन एक साथ सारे जो हैं फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। वही बात कि मैं रन कह रही हूँ तो 5-6 लोग हैं या 10 हैं 12 हैं, जितने भी लोग खड़े किए हुए हैं अलग-अलग ही खड़े हैं ना, तो इस तरह वायर्स भी अलग-अलग होंगी, ठीक है। और उनमें से जो गो कहने पर एक साथ ही उन्होंने क्या करना है, मूव होना है, ऐसे ये डाटा है। ग्रुप्स ऑफ बिट्स जो है एक साथ ही डाटा मूव करेंगे लेकिन मल्टीपल वायर्स के साथ। इट इज़ यूजली यूनी डायरेक्शनल, ठीक है जी। ये कैसी होगी आपकी यूनी डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है, एक डायरेक्शन, ठीक है जी। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेटेड लाइन, ये याद रखिएगा, ये सेपरेटेड लाइन के जरिए ही क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ये ले जी उसकी, अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ हो रही है। जी पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, ये देखिए, ये देखिए बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, 6, 7। अब ये देखो, ये सेंडर वाली साइड पे है, मीडिया है, मतलब मीडिया कोई ना कोई केबल्स वगैरह हैं, वायर्स लगी हुई हैं, और ये रिसीवर है, देखिए एक साथ ही सेंड हो रही है सारी, ठीक है। एक साथ सेंडर ने सेंड की, एक साथ सेंड रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। ये होती है आपकी पैरेलल ट्रांसमिशन और ये फास्टर होती है बिकॉज यहाँ पे सेम टाइम पे सारा डाटा जो है वो सेंड हो जाता है। ओके, दूसरी है जी सीरियल ट्रांसमिशन। आ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम। हाँ जी, आपकी सीरियल जो ट्रांसमिशन होती है इसमें डाटा कैसे सेंड होता है, 1 बिट जो होती है वो एट अ टाइम सेंड होती है सीरियल ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे करेक्टर बिट्स आर सेंड सिक्वेंशली, तो यहाँ पे क्या है, करेक्टर बिट्स कैसे सेंड होती हैं, सिक्वेंशली सेंड होती हैं, ठीक है। आपकी करेक्टर बिट्स कैसे सेंड हो रही हैं, सिक्वेंशली सेंड हो रही हैं। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन एज डाटा इज सेंड सिक्वेंशली 1 बिट एट अ टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सीरियल ट्रांसमिशन है वो किससे स्लोअर होती है, स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन एज डाटा इज सेंड सिक्वेंशली 1 बिट एट अ टाइम। यहाँ पे पैरेलल नहीं है लेकिन कैसे हो रही है, 1 बिट सेंड हो रही है एक ही वक्त के अंदर। ओके,
तो करेक्टर बीट आर सेंड सिक्वेंशियली, यहाँ पे हमें सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें तो देखो सीक्वेंस नहीं था ना, सारी एक साथ ही सेंड हो रही हैं, सीक्वेंस तो नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस वाइज होगा। जैसे कि मैं अब कह देती हूँ, पाँच छः लोग क्यू में लगे हुए हैं, फीस फीस जमा करवानी है उन्होंने, जो पहले है वो पहले जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब तो सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अब सारे एक साथ नहीं काम करवा सकते, ठीक है, सारे एक साथ नहीं करवाएंगे, वन बाय वन करवाएंगे। जो इसलिए इधर यहाँ पे मेंशन भी है कि वन बीट एट अ टाइम जो है वो ट्रांसमिशन होगी डेटा। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन द पैरेलल ट्रांसमिशन। हाँ जी, इसमें देखें अनकंडीशनल डिले जो आ रहे हैं, इसमें सारे सारे स्टूडेंट्स एक साथ फीस नहीं जमा करवा सकते, सारा डाटा एक साथ सेंड नहीं हो सकता। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में क्या है, ये आपकी डिजिटल है, ये आपका सेंडर वाली साइड पे, ये रिसीवर वाली साइड पे। अब क्या होगा, इसमें पहले वन है, वन सेंड हुआ, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो, वन वन, ज़ीरो ज़ीरो वन, मतलब वन बाय वन सिक्वेंशियल फॉर्म में डाटा क्या है आपका सेंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके डाटा ट्रांसमिशंस थी। हैंड रेज कर दें अगर आप लोगों को भी इसे समझ आ गई है कि क्या होती है सीरियल और क्या होती है पैरेलल ट्रांसमिशन। ओके हाँ जी, अब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। टू टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे टू टाइप्स हैं, जैसे हमने डेटा ट्रांसमिशन की अभी ये पीछे देखी है, ठीक है, ये आपकी टाइप्स थी, डेटा ट्रांसमिशन की। अब ये भी आपकी जो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टाइप्स ही हैं, लेकिन ये आपकी डेटा ट्रांसमिशन की ही टाइप्स हैं, फर्दर इसके अंदर एलेबोरेट हो जाती है आपकी सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये सीरियल ट्रांसमिशन की अगर फर्दर टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन आर एज फॉलोज, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। हाँ जी, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। आपकी जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, इसमें भी डाटा जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर सेंड होता है, मतलब करेक्टर बाय करेक्टर, ए है तो सेंड हुआ, फिर उसका बी है, फिर सी है, मतलब और काउंटिंग भी हो सकती है। दीज आर इरेगुलर गैप्स बिटवीन करेक्टर्स इन द ट्रांसमिशन। तो इसके दरमियान में अब क्या होगा, इरेगुलर गैप्स आएगा। देखो एक सेंड हुआ, दूसरे को वेट करना पड़ रहा है, तो वो गैप आ गया, देखिए कम्युनिकेशन में गैप आ गया, ठीक है। अब अगर आप फीस भी जमा करवाने जाते हैं तो वो क्या होता है, अब पीछे वाले को वेट तो करना पड़ ही रहा है, पहला वाला काम करवा रहा है, अब वो अपनी सेटिंग करेगा, जो बंदा जो फीस जमा करने वाला है, ठीक है, क्लर्क अपनी सेटिंग करेगा, फिर वो गैप होगा ना, दूसरे वाले को सारे स्पेस मिलेगी कि हाँ भाई अब आप अपनी करवाओ, उसको अपना नेम देखेगा, उसका नेम चेक करेगा किधर नेम है उसका, मतलब टाइम लगेगा। तो करेक्टर बाय करेक्टर तो सेंड होता है, इरेगुलर गैप्स भी आते हैं इन करेक्टर्स के दरमियान में, इन ट्रांसमिशन के दरमियान में। तो ये देख लें, इसकी डायग्राम देखें, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, स्टार्ट हुआ, जी हाँ जी, पहले काम स्टार्ट हो गया, डाटा सेंड हुआ, स्टॉप हो गया, पहले का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरे में गैप आएगा, ये देखिए गैप है ये, फिर स्टार्ट हुआ, फिर डाटा आया, फिर स्टॉप हो गया, फिर गैप आएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर डाटा सेंड होगा, फिर स्टॉप होगा। ओके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इन दी सिंक्रोनस मोड, आपका जो सिंक्रोनस मोड होता है उसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो कैसे सेंड होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, ठीक है। इसमें कैसे होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक होगा। आपके ए सिंक्रोनस में कैसे था, करेक्टर बाय करेक्टर। ओके ए सिंक्रोनस में कैसे था, करेक्टर बाय करेक्टर, और उसके दरमियान में स्टार्ट स्टॉप और गैप्स वगैरह भी आ रहे थे। इन एसिंक्रोनस मोड में क्या है, डाटा सेव्ड इन दी ट्रांसमिटेड ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डाटा सेंड होगा, पूरा पूरा ब्लॉक। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करेक्टर्स, इट यूजेज अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइम ऑफ बिट्स बीइंग सेंड।
तो यहाँ पे ट्रांसमिशन तो ऐसा सिंगल टाइम पे सेंड होगी, लेकिन पूरा ब्लॉक सेंड होगा। और ये याद रखें, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप्स हैं। पैरेलल में तो देखें इतनी सारी चीज़ें जा रही थी एक साथ, तो उस इसमें तो डाटा सीरियल की फॉर्म में जा रहा है ना, सेंडर टू रिसीवर, ख्वा स्टार्ट स्टॉप हो ख्वा ब्लॉक्स की फॉर्म में हो। तो ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन द एसिंक्रोनस। हाँ जी, आपकी जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, बिकॉज इसमें ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा जा रहा होता है, इसमें कोई भी अनकंडीशनल इरेगुलर गैप्स नहीं होते, वक्फे नहीं होते, ठीक है। तो फास्टर कम्युनिकेशन होती है एसिंक्रोनस से, क्योंकि इसके दरमियान में कोई गैप नहीं है इनके कनेक्टर्स के। दिस ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन। रिमोट मतलब जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए ये बेस्ट है, बिटवीन अ कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स। अब प्रिंटर में एक्सेस देते हैं ना, तो वो ब्लॉक्स की फॉर्म में ही आपका डाटा जो है वो प्रिंट होता है। अच्छा, यहाँ पे टर्म्स आती हैं, बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है, बेस बैंड क्या होती है, ब्रॉड बैंड क्या होती है। हमें बस इन टर्म्स को थोड़ा सा रीड आउट करना है। बैंडविड्थ, द अमाउंट ऑफ डाटा डैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। हाँ जी, क्या होती है ये आपकी बैंडविड्थ? अमाउंट ऑफ डाटा मतलब डाटा की क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, कैन बी ट्रांसफर मतलब अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो जा रही है, तजारत कर रही है, कहाँ से कम्युनिकेशन कर रही है, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, यूनिट ऑफ टाइम, जितना भी टाइम लग रहा है उस कम्युनिकेशन को, दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ। और बैंड विड्थ को हम मेयर करते हैं बिट्स पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड। अच्छा जी, अगर स्मॉल बी लिखा होगा, बी पी एस लिखा होगा, स्मॉल बी, ठीक है, तो बिट्स पर सेकेंड होता है। अगर कैपिटल बी लिखा हो ना, तो वो बाइट्स होता है, ठीक है, बाइट्स पर सेकेंड। तो जितने भी टोटल बैंडविड्थ के साइकिल कंप्लीट होते हैं, एनालॉग, एनालॉग मैंने आप लोगों को पीछे ट्रांसमिशन सिग्नल्स बताए हैं, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स में जितने भी साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं ना, उसको हम साइकिल्स पर सेकंड कहते हैं और हर्ट्ज कहते हैं, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। बेस बैंड क्या है? बेस बैंड एक कम्युनिकेशन तकनीक है जिसके अंदर जो सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, वो प्लेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। ये बस आपके डायरेक्ट जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन मतलब आपका कोई मीडिया वायर वगैरह उसके ऊपर जब जाते हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये डायरेक्टली जो हैं ऐसे ही सेंड होते हैं, मतलब अगर डिजिटल सिग्नल्स हैं ना, तो डिजिटल सिग्नल्स ही सेंड होंगे उधर से, उस ट्रांसमिशन लाइन से। तो ये होती है आपकी बेस बैंड। ब्रॉडबैंड कैसी तकनीक है और टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस और वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे मैं ब्रॉडबैंड आपको करवा रही हूँ, मेरी वॉइस देखिए, आप कहीं पे भी अपने घर में बैठे, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे इसके साथ कनेक्टेड सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी तकनीक है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ, अगर मैं वीडियो भी शेयर करूँ, आप लोग भी वीडियो शेयर करें, लिखे बैठे तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर है ना, घर में तो नहीं ना बैठे, मतलब मेरे पास तो नहीं ना बैठे हुए। तो दैट्स वाई कि मैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर रही हूँ, लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे सेंड कर रही हूँ, और वॉइस के थ्रू सेंड कर रही हूँ या टेक्स के थ्रू सेंड कर रही हूँ, जैसे भी है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड बैंड, ठीक है। ये इन तीनों में डिफरेंस है। बैंडविड्थ क्या होती है? डाटा ट्रांसफर जो है, अमाउंट ऑफ डाटा सेंड तो होती है, लेकिन कम्युनिकेशन मीडिया में बस एक टाइम यूनिट काउंट करते हैं, इसका बैंडविड्थ होती है, ठीक है। ये होती है बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड। और टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जितने भी साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, उसे हम कहते हैं साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज। बेस बैंड क्या होती है? बेस बैंड एक ऐसी कम्युनिकेशन तकनीक है जिसके अंदर आपके डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर प्लेस होते हैं विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। इसमें कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं होती, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे आते हैं वैसे सेंड हो जाते हैं। ब्रॉडबैंड में क्या होता है? ब्रॉडबैंड एक ऐसी तकनीक है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड हो रहा है वॉइस के थ्रू, वीडियो के थ्रू, इन द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। तो ये इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस था।
तो बेटा कंप्यूटर ऐसे है, बिट्स की जुबान, इसको समझ आती है या जीरो समझ आएगा या वन समझ आएगा। तो इसकी जो सारी कम्युनिकेशन होती है ना आपकी कंप्यूटर की, वो जीरो वन की फॉर्म में ही होती है। तो अब हर एक जो नंबर होता है ना उसके पीछे एक बिट होती है, एक बिट होती है, ठीक है। ये समझ, ये यूनिट है, ये यूनिट है उसका, हर वैल्यू का यूनिट होता है। तो बिट्स की फॉर्म में इसको समझ आ रही होती है या वो जीरो होगी या वन होगी। अब मल्टीपल बिट्स जो है अगर उसको आपस में जोड़ दिया जाए तो वो बाइट्स, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गैगा बाइट्स, पीटा बाइट, टेरा बाइट, ये बन जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स भी ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।